हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज जो क्लास लेकर के आए हम, इसमें आपको एक पेपर में सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश अभी करवाऊंगा, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये पेपर है MPPV ने PWD का पेपर हेल्ड किया था 2013 में, उससे रिलेटेड ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। और ये क्लास आपको मिल जाएगी, यानी कि ये जो PDF चाहिए तो ये भी मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करना होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ पर कहाँ हैं इंग्लिश के। और अभी तो मैं केवल आपको इंग्लिश ही कराऊंगा, लेकिन आप जब इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको GS, हिंदी, इंग्लिश, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 61 to 18 तक, और जिसमें आपको हम बताएंगे अभी जनरल इंग्लिश। एंड पहला जो सेंटेंस है वो है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन, यानी चार ऑप्शन है, इनमें से सुटेबल ऑप्शन इस सेंटेंस में फिल करना है। और सेंटेंस है 10 pounds डेट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो 10 pounds दोस्तों दिखने में ये आपको प्लूरल है, लेकिन यहाँ जो प्रेडिकेट है अ लॉट ऑफ मनी, ये आपका कैसा है सिंगुलर है। और 10 pounds एक यूनिट की तरह जब यूज होता है तो वो हो जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पर इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इज, क्योंकि आर प्लूरल है, बर भी प्लूरल है, एंड नन ऑफ द अबव नहीं। तो ये इज द राइट ऑप्शन फॉर 61 आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है, यानी 62 नंबर का, वो है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। आपको फिर से सुटेबल ऑप्शन फिल करना है, और यहाँ पर है सेंटेंस वन ऑफ माई सीनियर्स डैश नेक्स्ट डोर टू माई हाउस। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है वन ऑफ माई सीनियर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हों, तो याद रखिए कि हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो पहला नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो वर्ब में ऐसे ही ऐसे यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लिप्स। ओके, नेक्स्ट है 63 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। फिर से हमें सुटेबल ऑप्शन भरना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से। तो देयर डैश नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी देयर है, इंट्रोडक्टरी है, यानी कि इसका सेंटेंस में कोई मीन्स नहीं होता, लेकिन जो वर्ब यूज की जाती है वो यूज की जाती है इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो नो रीजन आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, वर्ब आपका प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर सी, यानी कि एज। देयर इज नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और ये नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 64 में फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। यहाँ से फिर सुटेबल ऑप्शन फिल करना है, यू आउट टू हैव डैश हार्डर। दोस्तों ये है आपकी मॉडल वर्ब ऑट टू। ठीक है, ऑट टू आपकी एडजुलरी वर्ब है, जिसके बाद यदि हम वर्ब सीधा यूज करना होती तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते, ठीक है, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म का। लेकिन जब किसी मॉडल वर्ब के बाद हैव का यूज किया जाता है तो ये पास्ट शो करती है, यानी ये पास्ट की बात बताती है, और इसके बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑट टू हैव के बाद यहाँ पर यूज किया जाएगा करेक्ट वो है वर्ड। और याद रखिए किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, चाहे वो कैन हो, कुड हो, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, इसके बाद यदि हैव लगा हुआ है फिर आपको मेन वर्ब भरने के लिए कहा जाए तो हमेशा उसका फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही होता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी वर्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा यू ऑट टू हैव वर्ड हार्डर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका नंबर है यहाँ पर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस देखना है हमें कि आई एम गोइंग अवे इन द एंड ऑफ द मंथ, आई एम गोइंग अवे ऑन द एंड ऑफ द मंथ, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द मंथ। दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश में ये पूरा फ्रेज है जिसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, एट द एंड ऑफ समथिंग। तो एट द एंड ऑफ आपको पूरा याद कर लीजिए कि द एंड से पहले हमेशा एट आता है, उसके बाद आता है ऑफ, तो एट द एंड ऑफ होता है। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, यानी आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द मंथ इज द राइट ऑप्शन ऑफ 65 क्वेश्चंस।
नेक्स्ट है 66 नंबर का, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, नाइदर ही और हिज ब्रदर डज हिज वर्क। तो देखिए दोस्तों, नाइदर के बाद हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, और नहीं आता, आइदर के साथ और आता है। तो फर्स्ट वन तो आपका रॉन्ग है। सेकेंड देखिए, नाइदर ही एंड नॉर हिज ब्रदर डू देयर वर्क, एंड नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही डू देयर वर्क, एंड नाइदर ही और हिज ब्रदर इज डूइंग देयर वर्क। तो ये आपका और नहीं आएगा, तो ये डी ऑप्शन भी राइट रॉन्ग है, सॉरी ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बचते हैं बी और सी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम प्रोनाउन को देखें कि ही एंड हिज ब्रदर, ठीक है ना, तो ये राइट ऑप्शन सीक्वेंस है लिखने का नाउन या प्रोनाउन का। पहले आपका ही आएगा, फिर आएगा हिज ब्रदर। इस सेंटेंस में क्या है, पहले है देयर ब्रदर और नॉर, अब देयर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, यहाँ पर हो गया देयर। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन हो रहा वो यहाँ पर हो रहा आपका बी वाला। तो ये आपका हो जाएगा राइट सेंटेंस बी, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर डू देयर वर्क। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 67, एंड सेंटेंस नंबर 67 में टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पर हमें बनाना है। सेंटेंस है ही सेड ओ व्हाट अ चांस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते हैं, तो जो सैड है उसे हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड कर देते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सक्लेम्ड राइट हो गया, ठीक है ना, और देखते हैं किसमें एक्सक्लेम्ड है, किसी में भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कंजंक्शन का यूज किया जाता है दैट, तो यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या हो रहा है आपका इट, और उसका पास्ट क्या हो जाएगा वाच, ये लिखा है तो ये यहाँ भी हो जाएगा। वाट को चेंज कर दिया हमने फाइन में, एंड वाट को चेंज कर दिया फाइन में चांस। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका सी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 68, सेंटेंस नंबर 68 है वो है आपका टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए जाए उनमें से इनडायरेक्ट नरेशन बताना कौन सा करेक्ट होगा। सेंटेंस है आई सेड टू माई फादर प्लीज लेट मी गो टू दिल्ली। तो ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, और इम्परेटिव सेंटेंस में सेड को हमें चेंज करना होगा प्लीज के अकॉर्डिंग, या सेड हो जाएगा आपका रिक्वेस्टेड। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई, आई आस्ट माई फादर, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, आई प्लीज। तो जो ये चेंज हो जाएगा आपका सेड चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, प्लीज को हटा दिया जाएगा, कंजंक्शन का यूज किया जाएगा इम्परेटिव में टू, तो यहाँ पर टू लगा हुआ है। उसके बाद लेट आपकी मेन वर्ब है, तो ये लिखिए लेट, मी आपका फर्स्ट पर्सन है चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है तो मी का मी रहेगा, एंड गो टू दिल्ली। तो राइट ऑप्शन है वो आपका हो गया यहाँ पर सी, यानी आई सेड टू माई फादर प्लीज लेट मी गो टू दिल्ली का करेक्ट ऑप्शन होगा, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 69, एंड सेंटेंस नंबर 69 में है टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच अमंग द गिवन ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए उनमें से ये बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस है जॉन सेड माई पेरेंट्स आर वेरी वेल, ओके, सब्जेक्ट आपका पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में लिखी हुई। तो हम सबसे पहले देखेंगे जॉन सेड सभी तीनों में लिखा हुआ है। इसके बाद कंजंक्शन यूज किया जाएगा दैट, अब यहाँ फर्स्ट में दैट कंजंक्शन नहीं है तो ये आपका रॉन्ग है, एंड सेकेंड में दैट है, थर्ड में भी दैट है। माई चेंज हो जाएगा जॉन के अनुसार, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हिज, पेरेंट्स हो जाएगा। अब ये जो वर्ब है आर, इसको चेंज कर दिया जाएगा पास्ट में, तो यहाँ पर ये पास्ट में चेंज हो रही, लेकिन इसमें क्या है ये प्रेजेंट में ही चेंज है, तो ये नहीं हो रहा। तो जो राइट ऑप्शन है अब वो ये हो जाएगा आपका सी, यानी जॉन सेड माई पेरेंट्स आर वेरी वेल, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉन सेड दैट हिज पेरेंट्स वर वेरी वेल। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 70, एंड सेंटेंस नंबर 70 है टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और यहां पर हमें यूज करना है प्रपोजिशन। सेंटेंस है हाउ मच मनी डू यू स्पेंड डैश
फूड ईच मंथ, ऑप्शन है विद इन एट एंड ऑन। तो याद कर लो कि स्पेंड ऑन होता है हमेशा, तो ऑन हो रहा तो ऑप्शन हो रहा आपका डी राइट, यहां पर ऑप्शन डी राइट, यानी कि स्पेंड ऑन फूड ईच मंथ इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस, वो है सेवेंटी वन। एंड 71 में है यहां पर, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी हमें यहां पर फिर से प्रपोजिशन यूज करना है। दे आर सीनियर डैश हिम, ऑप्शन है ऑफ टू फ्रॉम एंड देन। याद कर लीजिए, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एस्टीरियर टू, इन सबके बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आल्सो प्रेफर टू। ओके, इन्हें याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में इसी तरह के वर्ड्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहां राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दे आर सीनियर टू हिम, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 72, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस है आपका ही बिलोंग्स डैश जर्मनी, अब यहां पर यूज करना है फ्रॉम टू बाय एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे यूज हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक। तो याद कर लीजिए कि बिलोंग के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहां पर होगा राइट, बिलोंग टू जर्मनी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 73, टेक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अमंग द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाए उनमें सुटेबल एडजेक्टिव का यूज करना है। एंड सेंटेंस है दिस रूम इज डैश लार्ज, ऑप्शन है मच, वेरी, इनफ एंड नन। तो ये सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी वेरी, दिस रूम इज वेरी लार्ज, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस अपना 74 नंबर का, फिर टेक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अमंग द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर हमें करेक्ट एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। इज दे आर डैश स्टूडेंट इन द क्लास, एनी फ्यू, लिटिल एंड अ फ्यू में से फिल करना है। तो दोस्तों याद कर लो कि जब भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और किसी चीज की जानकारी मांगी जा रही हो तो यहाँ पर यूज किया जाएगा एनी। अब यहाँ पर फ्यू क्यों नहीं यूज हो रहा, क्योंकि फ्यू के बाद होना चाहिए प्लूरल, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कैसा है सिंगुलर। लिटिल के बाद आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, एंड अ फ्यू के बाद आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन राइट है, वो है ए नंबर का, यानी एनी, इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 75, एंड सेंटेंस नंबर 75 में है टिक द सुटेबल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स अमंग द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन दिए जाए उनमें से करेक्ट बताना क्या यूज किया जाएगा। सेंटेंस है डैश शुड ऑबे द लॉ ऑफ द स्टेट, ईच एंड एवरी, आइदर, नाइदर एंड एवरीबडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है आपका एवरीबडी, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा एवरीबडी शुड ऑबे द लॉ ऑफ द स्टेट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 76, एंड सेंटेंस नंबर 76 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो, देखते हैं यहां पर क्या होता है। सेंटेंस है व्हाट डैश दिस इवनिंग, ओके, तो यहां पर हमें फिल करना है यू डू, वर यू डूइंग, आर यू डूइंग एंड वुड यू डूइंग। तो सबसे पहले देखिए वुड के बाद, वुड आपकी एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। एंड वर यू डूइंग पास्ट शो करता है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या लिखा है दिस इवनिंग, यानी बात हो रही है प्रेजेंट की, पास्ट की नहीं हो रही, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा। अब ए ऑप्शन देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे होना चाहिए था, लेकिन ये भी सेंटेंस आपका नहीं हो रहा, क्योंकि इस सेंटेंस में हम पर्टिकुलर इवनिंग की बात कर रहे हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, जनरल ट्रूथ बताता है या रिपीटेड एक्शन बताता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका सी, What are you doing this evening is the right option. Next है sentence number 77. Choose the correct form of the tense in the choice given below. यहाँ पर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों याद कर लो, जब भी सन के बाद इन प्रपोजिशन लगा हो, और सन कौन सी हो जो अभी टाइम चल रहा है उसके पहले की कोई ईयर हो, तो वो पास्ट का टाइम होता है, और जब पास्ट का टाइम होता है तो वो सेंटेंस बनेगा पास्ट में, और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1922, और पैसिव वॉइस हो रहा क्योंकि ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1920। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 78, एंड सेंटेंस नंबर 78 है
टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को टेक करना है, कौन सा टेंस है। अब पास्ट सिंपल का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ही डिड हिज वर्क इज द राइट ऑप्शन, यानी बी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेंटेंस, वो है मार्क द करेक्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में आपका ए इज द राइट ऑप्शन, यानी वी हैड डन अवर वर्क। नेक्स्ट है सेंटेंस, मेक द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन ऑप्शन। नीचे चार ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट बताना है कौन सा होगा। ए मिस्ट्री इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन्स। ए मिस्ट्री इज समथिंग दैट कुड नॉट एक्सप्लेन, ए मिस्ट्री इज समथिंग दैट एक्सप्लेन इट सेल्फ, एंड ए मिस्ट्री इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो इस चारों सेंटेंस में जो राइट ऑप्शन है वो है डी राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों क्लास आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके जो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आप डायरेक्ट PDF इसका ले सकते हैं। और इंग्लिश के साथ साथ आपको जो भी इस पेपर में आया हो रहा PWD 2013 जो PV ने लिया था एग्जाम, उसमें वो पूरा का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के साथ साथ आपको उसमें हिंदी, आई थिंक GS और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।